हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा हाउ टू फाइंड ए जॉब। आपको जॉब कैसे सर्च करनी है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मेल आ रहे थे कि सर जॉब फाइंड करने का तरीका बताइए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट लेके आऊँगा। इसके बाद भी बहुत सारे वीडियो पोस्ट होंगे। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ना तब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। इसमें मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि naukri.com पे कैसे आपको जॉब फाइंड करना है, लिंक्डइन पे आपको कैसे फाइंड करना है, shine.com पे कैसे फाइंड करना है, अदर जो भी प्लेटफॉर्म है आपको उस पर जॉब्स को कैसे फाइंड करना है, इवन फेसबुक के जो प्रीमियम ग्रुप रहेंगे जहाँ पे प्रीमियम टाइप की जॉब पोस्ट होती है उनके सारे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, प्लस ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू आपको जॉब्स कैसे फाइंड करना है उन सारे तरीकों के बारे में बात करेंगे। पूरा का पूरा आपका प्लेलिस्ट बनेगा और वो प्लेलिस्ट तब ही बनेगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको naukri.com पे कैसे जॉब फाइंड करना है। इवन मैं आपके लिए naukri.com के थ्रू कैसे जॉब लेके आता हूँ यहाँ पे मैं आपको वो भी बताऊँगा, जिसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसे मांग रहे हैं। वो पैसे कंपनी कभी नहीं मांगती, वो कंसल्टेंसी होती है जो आपसे पैसे मांगती है। तो आपको उनको कभी पैसा पे नहीं करना है। आपको वो भी तरीका बताऊँगा जेन्युइन जॉब फाइंड करने का, जिसमें आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि कंसल्टेंसी है या फिर कंपनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज मेरे को ही करते रहते हैं कि सर यहाँ पे रियल है कि फेक है, तो आप खुद भी उसका अनुमान लगा पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे और आप पर डे 5,000 से ज़्यादा जॉब फाइंड कर सकते हैं आपके नियरेस्ट एरिया के अंदर। आप कहीं लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो आप रिलोकेट होना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जॉब को फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बड़ा ही जेन्युइन और मस्त रहने वाला है। इसको देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पर इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे जॉब को कैसे फाइंड करना है उस मेथड के बारे में। मेथड आपको काफ़ी जेन्युइन देखने को मिलेगा। पूरे YouTube पे आपको ऐसा मेथड देखने को नहीं मिलेगा। चाहे सर्च करके देख लेना, जो मेथड मैं बताऊँगा वो काफ़ी ऑथेंटिक देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जॉब्स को कैसे फाइंड करना है उन सारे मेथड के बारे में बताऊंगा। आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है मैंने, जिसमें आपका रहेगा हाउ टू फाइंड ए जॉब, ठीक है। आपको जॉब को कैसे फाइंड करना है वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट के अंदर पर डे आपके लिए वीडियो अपलोड होती रहेगी। तो पहला जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे आपका naukri.com के थ्रू कैसे जॉब को फाइंड करना है। जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ वही आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो तरीका रहेगा, मेथड रहेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन के थ्रू आपको कैसे जॉब को फाइंड करना है। अगला जो मेथड रहेगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि shine.com के थ्रू कैसे जॉब को फाइंड करना है। अगले तरीके में बताऊंगा आपको मैं फेसबुक के थ्रू कैसे जॉब को फाइंड करना है। इवन मैं आपको बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स के लिंक भी दूंगा, जिसमें आपके प्रीमियम टाइप की जॉब अपडेट होती है। प्रीमियम ग्रुप है वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक प्रोवाइड कराऊंगा आपको वहाँ पे, ठीक है। अगला जो तरीका रहेगा आपका फिफ्थ मेथड रहेगा, जिसमें मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू कैसे आपको जॉब को फाइंड करना है। कोई भी ऑफिशियली वेबसाइट है आप उसके थ्रू जॉब को फाइंड कर सकते हैं, वो भी मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सारे मेथड रहेंगे, प्लस बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो लिंक्डइन का वीडियो है वो जल्द से जल्द पोस्ट हो जाए, कल की डेट में पोस्ट हो जाए, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को naukri.com वाली वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर दबा के शेयर कर देना है। और 1,000 से ज़्यादा यहाँ पर लाइक होने चाहिए, कम से कम 1,000 लाइक तो यहाँ पर होने चाहिए। इतने लाइक हो जाएंगे तो आपके लिए कल के कल मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, जिसमें मैं आपको लिंक्डइन के थ्रू कैसे जॉब को फाइंड करना है उस मेथड के बारे में भी सिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको naukri.com ऐप डाउनलोड कर लेना है। कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर में मिलेगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल सा मेथड है। डाउनलोड करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है प्रोफाइल क्रिएट करने में, आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो, जिसमें मैं आपको naukri.com पे प्रोफेशनल आईडी कैसे क्रिएट करनी है उसके बारे में बता दूंगा, लिंक्डइन पे प्रोफेशनल आईडी कैसे क्रिएट करनी है उसके बारे में बता दूंगा, shine.com में कैसे क्रिएट करनी है उसके बारे में बता दूंगा। सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा
जब अब तक आप बोल के नहीं बताओगे मेरे को, लिख के नहीं बताओगे, तब तक मेरे को समझ में कैसे आएगा? तो आपको लिखना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके लिए वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप naukri.com ऐप डाउनलोड करते हैं, आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा टैब ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, उसके बाद आपको इनबॉक्स का दिख रहा है, उसके बाद आपको अप्लाई का दिख रहा है, उसके बाद आपको होम का दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे प्रोफाइल वाले सेक्शन में जा रखा हूँ, तो आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। इनबॉक्स वाले सेक्शन में जो भी एचआर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है उनके आपको मैसेज देखने को मिल जाएंगे, और अप्लाई वाले सेक्शन में आपने जहाँ पे अप्लाई किया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। होम वाला सेक्शन आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होम वाला सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको साइड के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं एक बटन दिख रहा है, वो आपका दिखेगा मेन्यू का, तो आप इस मेन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वापस से सेक्शन ओपन हो जाएंगे। पहला जो सेक्शन देखने को मिलेगा सर जॉब्स का, रिकमेंडेड जॉब का, सेव जॉब्स का, प्रोफाइल परफॉर्मेंस का, ये सारे सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, और नीचे भी बहुत सारे दे रखे तो आप इसको देख लेना। तो हमारे जो सेक्शन काम का है वो आपका है सर्च जॉब्स का, आपको इस पे करना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिख रखा है उसमें लिख रखा है आप कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं, स्किल्स के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, आपकी जो भी स्किल है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डेजिग्नेशन क्या है आपका, लाइक आप अगर DET की पोजीशन के लिए सर्च कर रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए सर्च कर रहे हैं, या फिर आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए सर्च कर रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी को सर्च कर रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा लोकेशन का, कौन सी लोकेशन के लिए सर्च कर रहे हैं उसको लिख सकते हैं, सर्च जॉब्स वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख पा रहा है, और नीचे आपको दिखेगा योर मोस्ट रिसेंट सर्च, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्या क्या सर्च करता रहता हूँ। ठीक है, ये मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है, लेकिन बहुत टाइम से मैंने इसको यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग का यहाँ पे आपका सर्च कर रखा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स यहाँ पे डाल दी गई है वो आपको सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप पे आपको देख रखा होगा यहाँ पे कितनी जॉब्स का रिजल्ट आपके सामने है, वो आपका है 2299, लगभग 2300 रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे शो हो गए। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ कंसल्टेंसी भी होगी, कुछ कंपनी भी होगी। तो अपने को करना क्या है, अपने को करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रखा है ये वाला, तो आपको फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है। तो ये फिल्टर का एक पाइप बना रखा है, फिल्टर का है, तो आपको फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी फिल्टर आपके सामने आ रखे हैं। तो आपको मैं कुछ फिल्टर बता रहा हूँ जिसका आपको डेली यूज़ करना है, अगर आप डेली जॉब फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोकेशन को भी देख सकते हैं, और यहाँ पे फ्रेशनेस में जाइए। फ्रेशनेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट फर्स्ट डे डेली देखते हैं, तो अगर आप 3 दिन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो लास्ट 3 डे, तो यहाँ पे अगर आप 7 डे के अकॉर्डिंग देखते हैं तो लास्ट 7 डे। तो मैं कह रहा हूँ आप डेली आप लास्ट 3 डे का सर्च करिए, लास्ट 3 डे ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक फिल्टर दिखेगा पोस्टेड बाय का, तो पोस्टेड बाय में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पे दे रखा है कंपनी जॉब्स कितनी है 1843, और कंसल्टेंट जॉब कितनी है 456। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंपनी वाले पे क्लिक करना है, कंसल्टेंसी वाले पे क्लिक नहीं करना। अगला आता है एजुकेशन, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस एजुकेशन को चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका रहेगा। फिर आता है रोल, रोल को भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को भी चूज़ कर सकते हैं, कंपनीज को चूज़ कर सकते हैं, सैलरी आप कितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कितना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, पावर का भी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई वाले फिल्टर पे कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वही कंपनी देखने को मिलेगी जो कि ट्रेनी का हायरिंग कर रहा है, और यहाँ पे कंपनी देखने को मिलेगी, कंसल्टेंसी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपकी 100% इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने इतने सारे फिल्टर अप्लाई किए उसके बाद देख पा रहे हैं कितनी जॉब आपके सामने देखने को मिल रही है, 74। पहले कितना था, लगभग 2600 के करीब था, अब कितना है, 74 है। बाकी जो भी था वो चाहे तो आपके फिल्टर के अंदर मैच नहीं हो रहा था, या फिर वो कंसल्टेंसी थी, कंसल्टेंसी को हमने पहले ही हटा दिया, जो पैसे मांग रहे हैं उनको हमने हटा दिया, और सिंपल सी आपके सामने जॉब है। आपको यहाँ पे जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई वाला बटन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई
कर दे रहे हैं। सिंपल सा मेथड है और ये मेथड आपके लिए बहुत काम का है अगर आप Naukri.com के थ्रू जेन्युइन जॉब सर्च करना चाहते हैं तो। ऐसा मेथड आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा और बहुत सारे फिल्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे दे रखे हैं, तो आप इन सारे फिल्टर का वन बाई वन यूज़ करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यूज़ करेंगे तो आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। मैंने सारे फिल्टर का काम बता दिया, आपका ये काम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको चाहिए कि मैं Naukri.com पे एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको प्रोफेशनल आईडी कैसे क्रिएट करनी है Naukri.com पे, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि वो जॉब आपके लिए ला सके। एंड व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।